बात करेंगे सत्ता के चुनावी संग्राम में टिकट वाली रेस की, जो बीजेपी या फिर कांग्रेस हर एक दल के लिए फिलहाल चुनौती का सबब बन गई है, क्योंकि टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया है। नाराजगी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि बात मारपीट तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी स्तर पर नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि टिकट ना मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी सत्ता के विजयी अभियान पर भारी पड़ने वाली। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी तरह चुनाव जीतेगी? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में खोई जमीन ऐसे ही वापस पाएगी? मध्य प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, क्या नाराज कार्यकर्ता उसे कामयाब होने देंगे? शिवराज को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ने जो फॉर्मूला रेडी किया है, क्या बागी उसके कील कांटे दुरुस्त रहने देंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन इक्वेशन चाहे जो, टिकट के बंटवारे से भर के दोनों ही पार्टियों के समर्थकों का गुस्सा अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। चुनाव कोई भी हो, हार जीत का फैसला वोट से होता है। कार्यकर्ता और समर्थक खुश तो गले में जीत की माला, वरना खाली हाथ से काम चलाना पड़ता है। हिस्से में खाली हार ना आए, इसके लिए शिवराज पूरी ताकत से जुटे हैं, तो कमलनाथ भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तैयारियां दोनों तरफ से जोरदार हैं। चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन टिकट बंटवारे पर समर्थकों की नाराजगी के मामले में दोनों बराबरी पर हैं। हम आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बागियों का हाल बताएंगे, टिकट बंटवारे पर भर के गुस्से और नाराजगी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। शुरुआत बीजेपी से। उम्मीद टूटी, दिल टूटा तो सिर फूटने की नौबत आ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो लड़ाई भी अपने साथ लेकर आई। 5वीं लिस्ट आने के बाद टिकटार्थी के समर्थकों का गुस्सा ऐसा फूटा कि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गनमैन को बीजेपी के दफ्तर में ही धकिया दिया। वो तो अच्छा था कि पिस्तौल ने गनमैन का आदेश मानने से इनकार कर दिया और होल्स्टर में दुबक गया, वरना क्या हो जाता कहना मुश्किल है। लेकिन जो होता बीजेपी के मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने होता, क्योंकि पार्टी के हाईटेक दफ्तर में जिस जगह टिकट युद्ध चल रहा था, यादव जी वहां से सिर्फ चंद कदम ही दूर थे। अब हम आपको इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। जबलपुर की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने अभिलाष पांडे को खड़ा किया है। इस पर पूर्व मंत्री शरद जैन दावा ठोक रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इससे भर के शरद जैन के समर्थकों ने पहले भूपेंद्र यादव के आगे नारेबाजी की। इसी बीच कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने सांसद कविता पाटीदार को घेर लिया। इस बीच जब भूपेंद्र यादव दफ्तर से निकलने लगे तो बवाल हो गया।
मध्य प्रदेश में टिकट का टंटा दुनिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे संगठित पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अनुशासन का इम्तिहान ले रहा है और पार्टी के नेताओं का ऐसी ही तस्वीरों से बार बार सामना हो रहा है। ग्वालियर इसका नमूना है, जहां बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने श्रीमान यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल घेर लिया। वजह समझिए, बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से टिकट दिया है। सिंधिया के समर्थक मुन्ना लाल गोयल को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयविलास पैलेस का घेराव कर जबरदस्त नारेबाजी की। इसके बाद सिंधिया खुद भी उनके बीच पहुंचे और मान मनोबल शुरू हो गया। हर बार जो हमारा मत है उस मत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, ठीक है? ये पहली बार नहीं हुआ है ना, आप लोग भूल गए। पहले भी 15-20 साल पहले भी कई दिग्गजों के टिकट नहीं हो पाए। टिकट को लेकर मचे इस बवाल को लेकर वैसे तो टिकट बंटवारे से जुड़े पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर उंगली उठ रही है, लेकिन केंद्र में है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जिनकी सफाई तुरंत आ गई। जो सूची है, इस सूची में सब प्रकार के लोग जिन्हें अवसर मिलने चाहिए अवसर भी मिले हैं, जिन्हें पुनः अवसर मिलने चाहिए पुनः अवसर भी मिले हैं, एक अच्छी सूची और एक जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है। इसलिए मैं तो पुनः नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। अभी 28 बहनों को, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं, लगभग 32 विधायकों के उनके स्थान पर दूसरे नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के नौजवानों तक लोगों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन जहां आवश्यक था वहां परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टिकट पर टंटे के दर्द सिर से सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही, ये कांग्रेस के लिए भी गले की फांस बना हुआ है। इसकी लेटेस्ट तस्वीर उसी भोपाल से आई जहां कल तक कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकता के दावे कर रहे थे। दीप्ति सिंह को टिकट दिए जाने के समर्थन में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। बोले, नेता पार्टी को बर्बाद कर देंगे, टिकट का बंटवारा आरएसएस के इशारे पर किया जा रहा है। रविंद्र साहू के भाई संघ के पदाधिकारी हैं। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में चल रहे इस प्रदर्शन में पुरुषों ने तो सिर्फ हाजिरी लगाई, बागडोर आधी आबादी के हाथ में रही, जिसने हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध जाहिर किया और कांग्रेस तुझसे बैर नहीं रविंद्र तेरी खैर नहीं के पोस्टर लहराए। जिस गोविंदपुरा सीट पर दावेदारी के लिए ये लड़ाई चल रही है उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1967 में अस्तित्व में आई इस सीट से कांग्रेस सिर्फ पहला और दूसरा चुनाव जीती है, इसके बाद से इस पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अब कांग्रेस ने यहां से रविंद्र साहू को टिकट दिया है, उनका मुकाबला बीजेपी की कृष्णा गौर से होगा। कृष्णा गौर मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके बीजेपी के दिवंगत नेता बाबूलाल गौर की बहू हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए यहां डबल चैलेंज है। उसे बीजेपी का किला तोड़ना होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने ये काम मुश्किल कर दिया है। यहाँ पर दीप्ति सिंह को समर्थन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि गोविंदपुरा विधानसभा से जो ये सीट का गलत चयन किया गया है उसको हटाया जाए और हमें दीप्ति सिंह चाहिए उस सीट पे। जो 50 साल से हार रहे हैं हम गोविंदपुरा विधानसभा की सीट, उसको हम जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं दीप्ति सिंह को टिकट मिले। हम जितनी महिलाएं हैं सब उन्हीं के सपोर्ट में आई हुई हैं। मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर असंतोष और विरोध वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है, लेकिन प्रभावित सीटों की संख्या के मामले में बीजेपी का ग्राफ बेहतर है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में करीब 10 सीटें ऐसी हैं
जहां बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवारों के नाम पर नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसी सीटों की संख्या करीब 18 बताई जा रही है। इन्हीं में शामिल है शुजालपुर, निवाड़ी और मल्हारगढ़ की विधानसभा सीट, जहां प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का घर घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन किया। वहाँ की अगर मुकेश नायक वहाँ से प्रत्याशी के रूप में अभी भी रहेंगे तो वहाँ की 10 सीट हारेंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर टिकट नहीं देंगे तो हम लोग 10 प्रत्याशी हराएंगे, चैलेंज के साथ हरवाएंगे। कांग्रेस में हुए टिकट बंटवारे से नाराज ये कार्यकर्ता शुजालपुर से प्रत्याशी चुने गए रामवीर सिंह सिकरावार की जगह योगेंद्र सिंह बंटी को, निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय की जगह रजनीश पटेरिया को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर प्रत्याशी नहीं बदले गए तो सत्ता तक पहुंचने का कांग्रेस का सपना सपना ही रह जाएगा।